ये बात तब की है जब हम भारत में एक सेफ्टी पिन भी नहीं बना सकते थे, वो भी हमको बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता था। उस समय सिर्फ एक आदमी की छोटी सी पहल ने एक विशाल काय ग्रुप की स्थापना कर दी थी, जिसे आज हम टाटा ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो कैसे बनी टाटा इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी? टाटा ग्रुप की नींव तो तभी डाली जा चुकी थी जब भारत में घरों में बिजली तक नहीं होती थी। टाटा ग्रुप के साथ ही भारत में औद्योगिक क्रांति आई। तो आइए जानते हैं कि इस महान ग्रुप की शुरुआत कब और कैसे हुई। टाटा ग्रुप की नींव सन 1868 में ही जमशेद जी टाटा ने डाल दी थी। अब जमशेद जी टाटा को फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री भी बोला जाता है। जमशेद जी टाटा का जन्म 1839 में एक पुराने विचारों के पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी नसरवान जी अपने धर्म के लोगों के बीच के पहले व्यवसायी थे जिनका व्यापार का काम था। ऐसे धर्म में जहाँ पर लोग धर्माचार्य का काम करते थे, वो परंपरा तोड़कर व्यापारी बन गए। जमशेद जी टाटा अपने पिता के कारोबार से महज 14 साल की ही उम्र से जुड़ गए थे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। जे टाटा के जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने ना ही सिर्फ भारत में औद्योगिक इतिहास को आकार दिया, बल्कि पूरे विश्व में व्यापार भूमि को आकार देने में बड़ी मदद की। देश विदेश की यात्रा करते रहने से जे टाटा की व्यापार के प्रति समझ बढ़ी और उनको ये समझ आया कि भारतीय कंपनियां कपड़ा उद्योग पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं, जिस पर उस समय ब्रिटिश द्वारा राज्य था। 1868 में 29 वर्षीय जे टाटा, जिनको अपने पिताश्री के साथ काम करते हुए व्यापार की काफी समझ आ गई थी, ने पुरानी तेल की एक मिल खरीदी और उसे कपड़ा मिल में बदल दिया। वैसे देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पर इस छोटे से कदम ने बाद में चलकर महाकाय टाटा ग्रुप की बीज डाल दी थी। जे टाटा के मन में भारत के लिए एक अलग ही प्रेम और निष्ठा थी और उन्हें हमेशा ये लगता था कि उन्हें भारत के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। इसी जुनून को पूरा करने के लिए उनके चार सपने थे, जिसको सच करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, और वो थे आयरन और स्टील की कंपनी बनाना, एक विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान खोलना, एक होटल खोलना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना। सिर्फ होटल खोलने का सपना ही टाटा के जीवन के दौरान सच हो पाया। आज लग्जूरियस होटलों की चेन, जिसे आप ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स और पैलेसेस के नाम से जानते हैं, उसकी नींव 1902 में जे टाटा द्वारा ही डाली गई थी और 1903 में जे टाटा का निधन हो गया। होटल बनाने का इरादा जे टाटा के मन में तब आया जब उन्हें एक ब्रिटिश होटल में इस वजह से प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वो भारतीय थे। टाटा का होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली भी आती थी। बाकी तीन सपनों को पूरा करने का जिम्मा उनके बेटे दुराबजी टाटा ने उठाया। 1907 में दुराबजी ने अपने पिता का स्टील कंपनी का सपना पूरा किया और टाटा स्टील एशिया की नंबर वन स्टील कंपनी और भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 1911 में टाटा का तीसरा सपना पूरा हुआ भारतीय विज्ञान संस्थान के रूप में, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान और शिक्षा के लिए भारत में प्रमुख संस्थान माना गया और जिसे आज हम बैंगलोर में IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। जे टाटा के सपनों का आखिरी सपना 1915 में पूरा हुआ जब दुराबजी ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी भारत की पहली प्राइवेट कंपनी थी जो बिजली का उत्पादन करती थी। ऐसा लगता है कि 20वीं शताब्दी में कोई बहुत बड़ी खोज हुई होगी जिससे इतने कम समय में इतनी सारी विश्व स्तरीय चीजें मुमकिन हो पाई, पर असलियत में इसके पीछे एक बड़ी तस्वीर है। उस समय वैश्विक कार्यप्रणाली की तुलना में टाटा एक कंपनी के रूप में कुछ अलग ही तरीके से सोच रही थी। वो किस तरह से अलग सोच रही थी, उसकी एक झलक देने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि 1912 में ही 8 घंटे की कार्यप्रणाली को टाटा ने अपनी कंपनियों पर लागू कर दिया था और वो विश्व की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने वो तरीके अपनाए जिन आदर्शों पर कंपनियां आज काम करती हैं। 1917 में ही कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा की सुविधा ला दी थी और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत विकसित सोच मानी जाती है। और इस बात पे तो कोई दो राय नहीं कि जब आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को खुश रखोगे तो वो पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज टाटा ग्रुप की निगरानी में 100 कंपनियां 100 से अधिक देशों में काम कर रही हैं और ये कंपनियां 150 देशों में अपना सामान बनाकर एक्सपोर्ट करती हैं। वाओ, यही सोच रहे होंगे ना आप?
तो थोड़े से समय में कैसे बना टाटा इतना बड़ा ग्रुप? उनका पहला कदम था कि भाई अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को खुश रखना और अपने साथ साथ उनकी भी उन्नति करना। चलिए आइए देखते हैं कि वो और क्या कर रहे थे अपने आप को विकसित करने के लिए। 2017 में टाटा ग्रुप की कुल आमदनी थी 100 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से 64.1% कमाई भारत के बाहर के स्थापित किए हुए उद्योगों से थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय टाटा ग्रुप में कुल कितने लोग काम करते हैं? 7 लाख से भी अधिक। आइए देखते हैं कि टाटा अब किन किन उद्योगों में है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा केमिकल्स, ग्लोबल बेवरेजेस, टेली सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, इंडियन होटल्स, टाटा सिरेमिक्स पावर, टाटा स्टारबक्स, टाटा इंडस्ट्री, टाटा स्काई, लैंडमार्क बुक स्टोर्स और बहुत कुछ। और यहाँ तक कि टाटा दक्षिण कोरियाई कार निर्माता डेवू का भी मालिक है। टाटा ने अपने आप को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश कंपनियों को खरीदने की आदत बना ली थी। अगर आप भारत और ब्रिटेन के 19वीं और 20वीं शताब्दी में संबंधों से वाकिफ हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह टाटा को अपने आप को बढ़ाने का मतलब क्या है। सन 2000 में उन्होंने ब्रिटिश की कंपनी टेटली टी को 407 मिलियन डॉलर में खरीदा था, और उसके बाद जैगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जूरियस कार के ब्रांड्स को 2008 में 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। इसके पीछे भी एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। 1999 में रतन टाटा और उनकी टीम जब अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के पास अपनी टाटा मोटर डिवीजन को बेचने गई थी, तो फोर्ड के ऑफिशियल्स ने उनकी 1998 में लॉन्च हुई पैसेंजर कार टाटा इंडिका के लिए उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। टाटा इंडिका को मार्केट में काफी खराब रिस्पॉन्स मिला था। फोर्ड टाटा मोटर को खरीदना तो चाहते थे, पर उन्होंने ये कहकर टाटा का मजाक उड़ाया कि जब पैसेंजर कार डिवीजन के बारे में आपको कुछ समझ ही नहीं है, तो आपने ऐसी गाड़ी बनाई क्यों? वो बोले कि टाटा मोटर को खरीदकर वो टाटा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे, पर अंततः वो डील हुई नहीं। उस समय जैगुआर और लैंड रोवर फोर्ड की थी, पर फोर्ड उनकी सेल्स बढ़ा नहीं पा रहा था और दिन ब दिन उनकी बिक्री भी गिरती जा रही थी। और विधि की विडंबना देखिए, 2008 तक इन दोनों ब्रांड्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अंततः फोर्ड को जैगुआर और लैंड रोवर उस ग्रुप को बेचना पड़ा जिसको उन्होंने निकम्मा कहकर नकार दिया था। और आज टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर दोनों को ही बदल दिया है, और अमेरिका में भी इसकी बिक्री में काफी सुधार आया है। ब्रिटेन की कंपनियों को एक्वायर करने की दौड़ में टाटा से एक गलती भी हुई थी, जब 2007 में उसने कोरस ग्रुप PLC, जो कि UK की स्टील कंपनी थी, उसको खरीदा था। टाटा की स्टील डिवीजन ने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि वो किसी तरह ब्रिटेन की स्टील डिवीजन में अपनी जगह बनाना चाहते थे। बाद में टाटा ने अपनी इस नई स्टील कंपनी का नाम रखा टाटा स्टील यूरोप, पर ये एक्विजिशन टाटा के लिए एक बहुत बड़ा विफल कदम माना गया। खैर, अभी तक साइज के मामले में टाटा कुछ बहुराष्ट्रीय समूहों के बराबर लगेगा, पर वास्तव में टाटा अपने कई क्षेत्रों में बहुत सफल है। उदाहरण के तौर पर टाटा कम्युनिकेशंस दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल वॉइस कैरियर है, और टाटा मोटर्स दुनिया की पहले 5 कमर्शियल ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। उनका स्टील डिवीजन पूरी दुनिया में पहले 10 स्टील मेकर्स में से एक है। उनकी कम्युनिकेशन सर्विस डिवीजन पहले 10 विश्व स्तरीय IT सेवा कंपनियों में से एक है। उनका ग्लोबल बेवरेज डिवीजन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है, और उनका रासायनिक प्रभाग सोडा ऐश का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, जिसका उपयोग ग्लास के निर्माण के लिए किया जाता है। एक और पहलू जो टाटा को अलग करता है वो है उनका स्वभाव। टाटा अपने संस्थापक का दूसरों की परवाह करने वाला रवैया अपनाए हुए है, और फलस्वरूप उसने अपने आप पे ये जिम्मेदारी थोप दी है कि वो आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस कंपनी ने अपनी ये आदत बना ली है कि अपने कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा वो समाज कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे, और मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में निवेश करने के माध्यम से। ये ना ही केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया भर के देशों में भी सच है। अपने ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी मेडिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, सामाजिक कल्याण और हेल्थ केयर को बढ़ाने में निवेश करती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है टाटा स्वच्छ, जो बिना बिजली की चलने वाला वाटर प्योरीफायर है, और जिसका दाम 21 यूएस डॉलर यानी कि करीब करीब 1400 रुपए से भी कम है, मतलब किफायती भी। स्वच्छ बनाने का आइडिया टाटा के मन में तब आया जब 2004 के सुनामी ने हजारों लोगों को साफ पानी पीने से वंचित कर दिया था।
ये फिल्टर 5 लोगों के परिवार के लिए बिना किसी मेंटेनेंस के आराम से 1 साल तक चल सकता है। इस तरह के कार्य की वजह से 2009 में टाटा ग्रुप को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दुनिया की 100 प्रख्यात कंपनियों में 11वां स्थान दिया गया था। पर क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो टाटा भी उनसे अनछुआ नहीं रहा। जो कंपनी 2014 में वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की सूची में 34वें स्थान पे थी, वो 2017 में पहले 100 कंपनियों में भी नहीं है। जिस कंपनी ने भारत को पहला एयरलाइंस दिया था, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, वो भी वाद विवाद से अनछुआ नहीं रहा है। चाहे वो साइरस मिस्त्री की रेजिग्नेशन की बात हो, या फिर टाटा नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल स्थित सिंगुर में खुलने की बात हो, जिसकी वजह से वहां स्थित किसान आंदोलन पे चले गए थे, ऐसे काफी विवादों में टाटा ग्रुप भी फंसता आया है। क्या सच है और क्या नहीं, पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जे टाटा ने जिस सपने को लेकर टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी, जो कि था भारत की उन्नति, उसी परंपरा को इस विशाल ग्रुप को आगे भी बरकरार रखना चाहिए, पर समाज में किसी का नुकसान किए बिना। तो आइए उस पूजनीय व्यक्ति के कहे हुए कुछ शब्दों को हम याद करते हैं। एक मुक्त उद्यम में उसके आसपास का समाज सिर्फ एक साझेदार ही नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व है। और आखिरी में हम आपको एक और तथ्य बताने जा रहे हैं। जे टाटा ने भारत में एक पूरा शहर बसाने में योगदान दिया है, जिसकी आज की जनसंख्या कुछ नहीं तो 1.3 मिलियन है। और जानते हैं उस शहर का नाम क्या है? भारत में झारखंड स्थित जमशेदपुर। हम आशा करते हैं कि टाटा ग्रुप के इतिहास पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप साथ ही में हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और हम आपसे जल्द ही रूबरू होंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।